नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, हम इसमें सीखते हैं कुछ अलग एक और थ्योरम। थ्योरम 16, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ कोई रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। हमें प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसमें करना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं इधर थोड़ा सा ये रख देता हूँ ताकि ये उड़े ना। ठीक है बच्चों, आइए जो इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंगल, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। ठीक है, इसके डायगोनल हैं। तो बच्चों, हमें जो प्रूव करना है वो ये करना होगा, प्रूव करना होगा कि ए सी इक्वल बी डी, ये प्रूव करना होगा। ठीक है, आइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें मैं डिफ़िकल्टी नहीं रखूँगा, कन्फ्यूजन नहीं दूंगा। आप देखिए, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बच्चों अभी रेक्टेंगल आपने सीखा, अभी पीछे थ्योरम में एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी, सभी एंगल इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है बच्चों, अब हम ट्रायंगल लेते हैं। देखिए दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ले लिए ए बी डी। ठीक है बच्चों, ए बी डी ले लिए, बी ए सी ले लीजिए, हमें ये डायगोनल इक्वल दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी, ए बी डी में तो हम देखते हैं एंगल ए और बी ए सी में देखते हैं एंगल बी इक्वल होगा, क्यों, 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हम लेंगे वो लेंगे कि ए डी इक्वल होगा बी सी। आप अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। अच्छा तीसरा हम देख रहे हैं इसमें कि ए बी जो है वो दोनों में लगता है, ए बी इक्वल ए बी, तो इसको बोलेंगे कॉमन। ठीक है, इस ऐसी साइड को, तो थ्री प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, थ्री प्रॉपर्टीज आ गई है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, और कंडीशन कौन सी होगी, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड साइड एंगल, टू साइड है और वन एंगल तो मैंने लिख दिया। तो इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होंगे, यानी ए बी डी का तो बी डी और बी ए सी का ए सी, ये क्या होगा, इक्वल होगा सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए सी इक्वल बी डी, यानी जो ये राइट हैंड साइड में उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, इसमें से बच्चों सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। और बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।